नमस्कार, आइए आज अपन जावा में एरेज की बात करते हैं। एरेज जैसे हम C++ पढ़ते थे वही एरेज हैं जो कि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन जो हम C++ पढ़ते थे, एरेज सिंपली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी रेफर्ड विद द सेम नेम वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो एरेज यहाँ पर सेम है। तो डेफिनेशन में मैं भरोसा कम रखता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर जब भी हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरली एरेज वहाँ पर नहीं, एरेज की डेफिनेशन वहाँ पर नहीं पूछी जाती। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ अलग तरीके के आते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन एरेज की अगर बात करें, यहाँ पर यूजिंग एरेज इज थ्री स्टेप प्रोसेस। जावा के अंदर यूजिंग एरेज इज थ्री स्टेप प्रोसेस। कैसे हम डिक्लेयर करेंगे साहब एरे को, क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है मेमोरी अलोकेशन, और तीसरा जो होता है वो यहां पर होता है साहब इनिशियलाइजेशन। ये तीन स्टेप्स हैं जो कि एरेज के लिए जावा में काम में लिए जाते हैं, डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अपन सबसे पहले 1D एरे की बात करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, हम ये लिख सकते हैं int ar, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ब्रैकेट पहले लिखूं चाहे ब्रैकेट बाद में लिखूं, इस पर्टिकुलर जगह पर दोनों का मतलब सेम है। हम क्या कह रहे हैं, AR एक इंटीजर टाइप का एरे है। इस जगह पर ना तो साइज बताते हैं और ना ही बता सकते हैं। हम साइज यहां पर डिक्लेयर करते वक्त नहीं बता सकते। जावा के अंदर साइज हमें बाद में बतानी होती है जब हम मेमोरी अलोकेट करते हैं। डिक्लेरेशन दूसरा हमारा हो गया, मेमोरी अलोकेशन। देखिए साथियों, जब आपने डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ, मेमोरी के अंदर ऐसे कहीं पर AR नाम से रेफरेंस बन गया, बस अभी कोई मेमोरी एलोकेशन इसका नहीं हुआ। अब अगर आप लिखते हैं AR इक्वल टू न्यू int सपोज 10, अब 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा। और AR इसे रेफर करेगा, 10 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा और AR इसे रेफर करेगा। ओके, मैं यहां पर थोड़ा इसको चेंज भी कर सकता हूं, या मैं कहूं कि इस जगह पर मैं इन दोनों कामों को एक साथ भी कर सकता हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता था int AR इक्वल टू न्यू int से 10, ये और ये दोनों एक ही बात है। लेकिन इस जगह पर एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं int AR2 सपोज, और अगर मैं लिखूं int ब्रैकेट AR2, ये दोनों यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर AR इज इंटीजर एरे, वेयर एज AR2 इज सिंपली इंट। इन द सेम वे यहां पर AR1 एंड AR2
बोथ आर इंट एरे, ए आर एंड ए आर टू बोथ आर इंटीजर एरे। तो यहां पर जो डेटा टाइप है वो ही आपका इंटीजर एरे बन गया है, जो डेटा टाइप है वो ही आपका इंटीजर एरे बन गया है। देखिए सर, मैं हर चीज को सी सी प्लस प्लस से आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सी सी प्लस प्लस हमारा थोड़ा बहुत पहले का हमें याद रहता है, तो वो हमें बीच बीच में कंफ्यूज करता है। अगर मैं सी के अंदर ये बात करूं कि इंट और मैं बाद में लिखूं ए आर टेन किसी तरीके से मेमोरी एलोकेट करूं, तो क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? जावा के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं, मुझे यहीं पर बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन टाइम पे साइज बतानी पड़ेगी, साइज इज मस्ट, साइज इज मस्ट। दूसरे केस में अगर मैं यहां पर लिखूं नो साइज, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है जावा के एरेज के अंदर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है जावा में एरेज के अंदर, मतलब मेमोरी एलोकेशन आपको बाद में करना होता है। होप बट ठीक है। अगर इन तीनों कामों को आपको एक साथ करना है, अगर इन तीनों कामों को आपको एक साथ करना है बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं इंट ए आर से 5, 10, 15, 20। अब इस केस में ए आर क्या हो गया? एरे बन गया। साइज क्या हो गई? 4 एलिमेंट हो गई। ए आर 0 क्या हो गया? 5 हो गया। ए आर 1 क्या हो गया? 10 हो गया। ए आर 2 15 और ए आर 3 20। ठीक है भाई बहनों, तो यहां पर इस तरीके से हम सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। 1 डिक्लेरेशन, 2 मेमोरी एलोकेशन, 3 इनिशियलाइजेशन। तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने कहा इंट ए आर, जस्ट डिक्लेयर कर दिया आपने, कहा साहब ए आर इक्वल टू न्यू इंट से 10, देन आपने कहा ए आर 0 सपोज 5, ए आर 1 सपोज 6 एंड सो ऑन अप टू ए आर 9। तो इंडेक्स कहां से कहां तक चलेगा? फर्स्ट एलिमेंट इज ए आर 0, लास्ट एलिमेंट इज एलिमेंट इज ए आर 9। ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या है? ए आर 9 होगा। ठीक है, एरे के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर मैं कहूं सी के अंदर, अगर मैं सी की बात करूं तो सी के अंदर एरे के एलिमेंट्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? सब गार्बेज। जावा में क्या होगी? जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर पढ़ा था, मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंट ए आर सपोज 5, अगर मैं यहां पर डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूं, सपोज मैंने कहा इंट ए आर डिक्लेयर कर दिया, मैंने कहा ए आर इक्वल टू न्यू इंट 5। ठीक है, अगर मैंने अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की, मैं डिस्प्ले करता हूं ए आर ऑफ 0 को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में डिस्प्ले करता हूं ए आर 1 को, क्या डिस्प्ले करेगा साहब? 0 0, बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यूज आर 0 0। इसी केस में अगर मैं सी की बात करता तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती साहब? गार्बेज होती। ठीक बात है, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने बात की थी उस तरीके से होगी। मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक होगा,
डिफॉल्ट वैल्यूज जो इंस्टेंस वेरिएबल्स वाली थी, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, सबकी जीरो होगी। बूलियन की फॉल्स होगी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस की नल होगी। बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से। सपोज मैं जब सी के अंदर बात करता हूँ, मैं सी का एग्जांपल बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि सी हमारी जनरली पढ़ी होती है और कुछ कंसेप्ट हमें सी के याद रहते हैं क्योंकि हमारी पहली लैंग्वेज सामान्यतया एकेडमिक्स के अंदर सी होती है। दूसरी तरफ मैं जावा की बात करता हूँ। सी के अंदर आपने एक एरे बनाया AR5, थोड़ा आगे गए आपने यहां पर कहीं पर लिखा इंडेक्स क्या होगा पहले एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट AR0 और लास्ट क्या होगा AR4। लेकिन अगर आप कहीं पर लिखते हैं AR5 इक्वल टू 20, अगर आप कहीं पर लिखते हैं AR6 इक्वल टू 30, सी के अंदर क्या होगा, एरर आती है क्या? कोई एरर नहीं आती, कोई एरर नहीं आती। हाँ, कभी आपका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है लेकिन एरर नहीं आएगी। यही अगर मैं जावा की बात करूं, जैसे जावा में मैंने एक एरे बनाया, सेंट AR डिक्लेयर कर दिया, हमने कहा AR इक्वल टू न्यू इंट 5, 5 एलिमेंट्स का एरे हो गया। सपोज भैया मैं यहाँ पर लिखूँ AR0, AR4 तक होगा। सपोज मैं लिखता हूँ AR5 इक्वल टू 10, AR6 इक्वल टू सपोज 30, यहाँ पर एरर आएगी। क्या एरर आएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस विल बी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो जावा के अंदर जो एरे का इंडेक्स है वो विद इन रेंज ही होगा। विद इन रेंज का मतलब 0 से लेकर n-1, अगर साइज आपकी n है तो। ठीक है, जावा के अंदर ऑब्जेक्ट्स एरे इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, और एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉपर्टी। एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉपर्टी। जैसे सपोज आपने कहा इंट AR, एरे बना दिया आपने, भैया इसके अंदर कुछ वैल्यूज आपने इनिशलाइज कर दी। कहीं पर आप लिखते हैं इंट L इक्वल टू AR डॉट लेंथ, तो आप लिख सकते हैं पहली बात, और ये मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा, 4 रिटर्न करके देगा क्योंकि एरे की लेंथ क्या है यहाँ पर 4 है। आप इसको ऐसे भी काम में ले सकते हैं, आपने कहा इंट AR डिक्लेयर करवा दिया, आपने कहा साहब AR इक्वल टू न्यू इंट से 4, आपने कहा साहब इंट L इक्वल टू AR डॉट लेंथ, हाँ साहब दिस विल ऑल्सो रिटर्न मी 4। तो यहाँ पर जावा के अंदर जब अपन बात करते हैं, एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लेंथ प्रॉपर्टी होती है, और वो एरे की लेंथ बताता है। बच्चों, आई होप कंसेप्ट क्लियर है। ये तो ये था आपका 1D एरे। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपका सी के साथ, सी प्लस प्लस के साथ होता है, जो कि मैं आपको बराबर साथ में कंपेयर करके बताता रहता हूं ताकि कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, आइए अब अपन बात करते हैं 2D एरेज की। 2D एरे, जैसे अपन ने 1D एरे पढ़ा था वो ही 2D एरे की तरह, 2D एरे भी उसी तरीके से काम करता है, लेकिन 2D एरे में यहां पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जावा में 2D एरे
इज स्ट्रिक्टली एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज। सेकेंड जो पॉइंट आपके पास है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो नीड नॉट बी सेम। हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो सेम होना आवश्यक नहीं है। और तीसरा है जो हम बात कर रहे थे, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। चौथी बात जो आप करते हैं, जिग जैग टाइप ऑफ एरे इज पॉसिबल, जिग जैग टाइप ऑफ एरे इज पॉसिबल। चलिए अब अपन इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे अपन इनके साथ काम करेंगे। देखिए मैं उन चीजों को आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, 2D एरे किसे कहते हैं, जो उसमें टेबल बनती है, रोज कॉलम्स होते हैं, वो तो आप जानते हैं, है ना। तो मैं उनकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता इस लेवल पर। मैं केवल और केवल आपको उन एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हूं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। ओके, एंड आई एम श्योर कि जो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कवर कर रहा हूँ इनसे रिलेटेड, इनके बाहर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता, दैट आई एम 100% श्योर। ठीक है, बहुत लंबे टाइम मैंने जावा पढ़ा है, 97 से मैंने चालू किया था, स्टिल आई एम टीचिंग जावा। तो जावा में जो टॉपिक्स मैं आपके कवर कर रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक्स की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, जितना मैंने कवर किया। और इसके आगे पीछे के जो कवर किया है, अगर मैंने यहाँ कवर नहीं किया है तो फिर बात अलग है, वो फिर अलग टॉपिक है। ठीक है, देखिए जैसे आपने डिक्लेयर किया 2D एरे को, आपने डिक्लेयर जब करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, int ar ये डिक्लेयर, मेमोरी लोकेशन तो डायनेमिक होगा, अपन ने बात की थी। सपोज आप ये चाहते हैं कि मेरे पास एक ये 2D एरे है, अपने इसमें मेरी 4 रोज बन जाए और सपोज 3 कॉलम्स बन जाए, तो हमें पता है हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, ar इक्वल टू न्यू int 4x3। इसमें तो आपको कहीं आपत्ति नहीं है, ये तो आप कर देंगे। हमें जो डाउट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैसा हमने बताया है कि हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना आवश्यक नहीं है, तो अगर आप कहें भाई मेरी 4 रो हैं, पहली रो में मेरे पास 3 कॉलम हो जाए, दूसरी रो में 4 कॉलम हो जाए, तीसरी रो में सपोज 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम हो जाए, और चौथी रो में सपोज 1, 2, 4 कॉलम हो जाए। सपोज मुझे कोई ऐसा 2D एरे चाहिए, मान के चलें कोई ऐसा 2D एरे अपने को चाहिए तो कैसे बनाए, ये तो हमें क्लियर है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, चलिए सर, या पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देखें अपन, 4x3 का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो मेरा AR हो गया बच्चों, यहां पर एक 2D एरे बनेगा, कितने रोज होंगे जिसके अंदर 4 रो, और हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे भैया, 3 होंगे। हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर 3 हो गए, ये हो गया 2D एरे। तो यहां पर 2D एरे स्ट्रिक्टली एरे ऑफ एरेज,
कहीं पर सपोज मैं इस जगह पर लिखता हूं इंट एल इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ, तो मुझे एरे की क्या लेंथ मिलनी चाहिए? आप जरा सोच के बताइए, क्योंकि ए आर किसनी लेंथ का एरे है? चार का। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा नहीं चार तो या बारह, नहीं नहीं नहीं, यहां पर आप देखिए ना, ए आर तो चार एलिमेंट का एरे है। हाँ, वो हर एलिमेंट अपने आप में एरे है, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, इंट एल वन इक्वल टू ए आर जीरो डॉट लेंथ। तो ये क्या हो गया कि ए आर जीरो की लेंथ क्या है? ए आर जीरो का मतलब अगर मैं नीचे से चलता हूं तो ये, और इसकी लेंथ क्या है? तीन। तो ए आर ये क्या हो गया? तीन। और ये क्या होगा बेटा? चार। होप क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं जिगजैग टाइप के एरे में, जहां पर हम ये कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर ईच रो नीड नॉट बी द सेम, नीड नॉट बी सेम। जिगजैग टाइप का एरे अपन बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे? देखिए सर, इंट एआर आपने डिक्लेयर कर दिया, आप कहते हैं आपको जो एरे चाहिए कुछ इस तरीके से चाहिए। आपने कहा सर चार तो मेरी रो बन गई, पहली रो में मेरी तीन कॉलम बन गई, दूसरी रो में दो कॉलम, तीसरी रो में सपोज एक दो तीन चार पांच कॉलम, और चौथी रो में एक दो चार कॉलम, सपोज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको चाहिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे? आपने कहा ए आर इक्वल टू न्यू इंट फोर, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप पता नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स पता नहीं है। अब क्या होगा इस केस में बेटा? यहां पर हमारे पास ये एक एरे ए आर बन गया, हमने कहा चार एलिमेंट, तो चार एलिमेंट का एक ये एरो बन गया, एक दो तीन और चार। ये क्या हो गया मेरा ए आर जीरो हो गया, ये क्या हो गया ए आर वन हो गया, ये क्या हो गया ए आर टू हो गया, ये क्या हो गया ए आर थ्री हो गया। इसी तरह अपन इनको अगर मान के चलें, हमने कहा साहब ये मेरा ए आर जीरो है सपोज, ये मेरा ए आर वन है सपोज, ये ए आर टू है सपोज, ये ए आर थ्री है सपोज, ठीक है ना। अब पहली रो में मुझे कितने कॉलम चाहिए? तीन कॉलम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? ए आर जीरो इक्वल टू न्यू इंट थ्री, मतलब ए आर जीरो जो मेरा है ये एक एरे बन जाएगा। कितने एलिमेंट का एरे बन जाएगा? तीन एलिमेंट का एरे बन जाएगा। ए आर वन जो है वो कितने एलिमेंट का एरे बना है भैया? दो एलिमेंट का एरे बना है। तो जो ए आर वन है दिस विल बी एरे ऑफ टू एलिमेंट। ए आर टू इक्वल टू न्यू इंट से कितने एलिमेंट का एरे बन गया? फाइव एलिमेंट का। ए आर टू कितने एलिमेंट का एरे बन गया? फाइव एलिमेंट का। ये हो गया फाइव एलिमेंट। और ए आर थ्री मैं कह रहा हूं एरे जो बनेगा वो कितने का बनेगा? इंट एक दो तीन चार फोर, मतलब यहां पर ये चार एलिमेंट का एरे बन गया। मुझे लगता है यहां तक के कंसेप्ट आपके 100% क्लियर हैं, क्योंकि हमने जो बात की है कि जिगजैग टाइप का एरे हो सकता है, हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना जावा में आवश्यक नहीं है। इस केस में अगर मैं बात करता हूं, मैं इसी से आगे चलता हूं, मैंने लिखा इंट एल इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ, तो क्या लेंथ होगी साहब? अभी जैसे अपन बात कर रहे थे, क्या लेंथ होगी यहां पर? फोर। मैं यहां पर लिखता हूं इंट एल वन इक्वल टू सपोज ए आर जीरो डॉट लेंथ, तो क्या लेंथ हो जाएगी साहब? थ्री। यहीं पर सपोज मैं कहता हूं इंट एल टू इक्वल टू ए आर टू डॉट लेंथ, तो टू डॉट लेंथ यहां पर मेरे पास क्या आ रही है साहब? फाइव। एंड सो ऑन, कोई भी कोई सी भी रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं ये मैं बता पाऊंगा। कैसे बता पाऊंगा? उस पर्टिकुलर रो के लेंथ से, ठीक है। अभी तक अगर मैं सी की बात करूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अब आप कहेंगे भाई सी में तो ये होता था कि मैं एक लूप चला देता था, फोर सपोज इंट आई इक्वल टू जीरो सपोज आई लेस देन फाइव
सपोज आई प्लस प्लस, यहां पर आप कहते थे 4 इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4, सी सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, से जे जे प्लस प्लस, और साहब यहां पर मेरा ए आई जे से ए आर आई जे से काम चल जाता था। अब ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां पर तो मेरे पास सपोज आई इंटू जे से मैं मल्टीप्लाई करके असाइन कर देता हूं, लेकिन यहां पर तो गड़बड़ हो गई क्योंकि ये फॉर्मूला अपना काम नहीं करेगा। इवन हम तो 2D एरे को कई बार याद ऐसे ही रखते थे, क्यों ऐसे ही करते थे ना कि भाई 2D एरे में दो लूप चलेंगे, एक आई इक्वल टू जेरे 0 से नंबर ऑफ रो तक, उसके अंदर जे इक्वल टू 0 से नंबर ऑफ कॉलम तक, यही तो करते थे। या तो नंबर ऑफ कॉलम ही अलग अलग हो गए, तो फिर क्या करें। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वही कंसेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप कह सकते हैं 4 से इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर डॉट लेंथ, है ना बच्चों, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर अगर मैं गया तो बेटा मैं कह रहा हूं 4 से इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन ए आर ऑफ आई डॉट लेंथ, ए आर ऑफ आई डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस, वट एवर जैसे आप कह रहे हैं, ए आर आई जे इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई जे। तो सेम कंसेप्ट है, बस यहां पर हम जो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर, पहले तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स चूंकि फिक्स होते थे तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स को 4 के अंदर उस तरह काम में ले लेते थे। यहां पर ए आर आई की लेंथ, जैसे पहली रो है तो उसकी लेंथ, दूसरी रो है तो उसकी लेंथ, तीसरी रो है तो उसकी लेंथ, इस तरीके से अपन काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है जावा के अंदर एरेज का कंसेप्ट, टोटल सिंपल कंसेप्ट है। कहीं कहीं पर हमें कुछ चीजें जो कंफ्यूज करती है, वो सी से जो डिफरेंस है वो कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखिए यहां पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउड है, सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउड नहीं है। सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर करेंगे तो एरेज में नहीं, फिर हम पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं, सी में, है ना। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं 2D एरे की बात करूं तो 2D एरे की बात, यहां पर हमारे पास हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हमने कहा सी के अंदर इंडेक्स से बाहर अगर जाते थे तो कोई एरर नहीं आती थी, लेकिन यहां पर इंडेक्स से बाहर जाने पर एरर आ सकती है, ठीक है। तो ये तमाम बातें अपन ने जावा के अंदर एरेज के अंदर की है, ओके। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन किसी और कंसेप्ट को लेकर आते हैं, ठीक है। नमस्कार।